21वीं सदी में हमारे रोजमर्रा के जीवन का स्वरूप एकदम बदल गया है। मानसिक क्लेश, तनाव, काम का बोझ, इसमें से कोई ना कोई परेशानी हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। हम आपके लिए लाए हैं ज्ञान और गतिविधियों की अनोखी श्रृंखला, जिसकी मदद से आपको मिलेगी शारीरिक और मानसिक शक्ति, यानी कि आप आज की जिंदगी की मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। So join us and let go. ये योग की श्रृंखला हमने माननीय योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी के मार्गदर्शन से तैयार की है। योगाचार्य तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगाभ्यास और उसके फायदों पर अनुशोधन करते आए हैं। योगाचार्य तिवारी जी सारे भारत में लगातार योग शिविर आयोजित करते आए हैं, जिनके जरिए सैकड़ों लोगों को योग का लाभ प्राप्त हुआ है। तो आइए उनके साथ उनके अनेक भक्तों में शामिल होकर शुरू करते हैं अपना सफर संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर योग के साथ। योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने तकरीबन 150 से ज्यादा योग शिविर आयोजित किए हैं और लगातार 3 बार इन्होंने राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप में वेटरन ऑफ इंडिया अवार्ड भी प्राप्त किया है। योग आसनों द्वारा इन्होंने कई महान हस्तियों के रोगों का निदान किया है। इनका कहना है, जिस प्रकार दूध लेने से पहले बर्तन को साफ करना आवश्यक है, उसी प्रकार अच्छा जीवन जीने के लिए अपने शरीर और मन को रोजाना योग, ध्यान और प्राणायाम से साफ करना भी अति आवश्यक है। तो मिलिए योगाचार्य श्री अविनीश तिवारी जी से। योग और आहार, आप क्या समझते हैं? आप बहुत ज्यादा खाना खाएंगे तो बहुत ताकतवर हो जाएंगे, ज्यादा अंडे खाएंगे, ज्यादा मांस खाएंगे तो ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे? ताकत अंडे से नहीं आती है, मांस से नहीं आती है, प्रोटीन से नहीं आती है, फैट से नहीं आती है। ताकत आती है आपके आत्मविश्वास से, आपकी सांसों की ताकत से। मसल पावर बढ़ाने के लिए ब्रेन पावर जरूरी है, आत्मशक्ति जरूरी है, और यह पावर आपके अंदर पैदा होता है योग से। ऋषि मुनि का आहार बहुत कम होता है। जब आप योग का अभ्यास करते हैं तो आहार की मात्रा कम होती है, पर आपके अंदर आत्मशक्ति ज्यादा होती है, ताकत ज्यादा होती है। कैसे? महाराणा प्रताप ने हार को स्वीकार कर लिया। अकबर के साथ उनका युद्ध हुआ, हार गए, जंगल भागते फिरे और उन्होंने सालों घास की रोटी खाई। पूरी सेना ने घास की रोटी खाई और घास की रोटी खाकर, फूल पत्ते खाकर वह उतने ही मजबूत थे जितने पहले थे। तात्पर्य, आप भी चाहें तो फूल पत्ती खाकर, सब्जियां खाकर, सात्विक आहार लेकर अपने मन को मजबूत अच्छा बना सकते हैं, और जब आत्मशक्ति होगी तो आप विश्व विजय बन सकते हैं, विश्व को आप जी सकते हैं। तो आहार के लिए, जो परमात्मा ने आपको आहार दिया हुआ है, जो आपने पैदा किया है सात्विक आहार, जिसमें मिनरल्स हो, विटामिन हो, फॉलिक एसिड हो, सात्विक हो, सुपाच्य हो, उस आहार को आप लीजिए। और जब आप आसन का प्रयोग करेंगे, आप प्राणायाम का प्रयोग करेंगे, तो वह आहार आपके लिए सुपाच्य होगा। हमारे यहाँ पर कुछ आसन ऐसे हैं, जैसे पश्चिमोत्तान आसन है, अर्ध मच्छिंद्र आसन है, भुजंग आसन की क्रियाएं हैं, धनुरासन है। यह आपके पाचन संस्थान को स्वस्थ करता है, अच्छा करता है। जब इन आसनों का आप प्रयोग करते हैं तो आपका पाचन संस्थान स्वस्थ होता है और आप कम खाने में ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आप इम्यून सिस्टम बैलेंस होता है, ताकतवर होता है, आपका रेसिस्टेंस पावर बढ़ता है। इसीलिए आप योग का प्रयोग करिए, योग का अभ्यास करिए और अपने आहार को संतुलित करिए। आत्मशक्ति बढ़ाइए, ताकत बढ़ाइए, तन की ताकत बढ़ेगी, मन की ताकत बढ़ेगी, आत्मा की ताकत बढ़ेगी।
आंख बंद करके कुछ देर बिल्कुल शांत बैठे हैं। अब है उद्यान बंद। पेट के कब्ज को दूर करने के लिए, गैस को शांत करने के लिए पूरी श्वास को बाहर निकालकर पेट की संपूर्ण मांसपेशी को अंदर खींचें और अब पेट को अंदर बाहर चलाइए। यह है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया से आपका पाचन संस्थान स्वस्थ होगा। दूसरी बात, कब्ज आपकी दूर होगी, पेट बढ़िया साफ होगा। इसको नियमित अभ्यास करने से कभी भी हृदय रोग की समस्याएं आपको नहीं होंगी। जब आप शौच से आते हैं, पेट साफ करके सुबह आते हैं, उस दौरान इस क्रिया को आप 10 से लेकर 20 बार करिए। गैस को दूर करने के लिए पूरी श्वास को बाहर निकालकर पेट की मांसपेशी को अंदर खींचना है, उसको उद्यान बंद कहते हैं। तो जब आप उद्यान बंद करते हैं, पेट को अंदर खींचते हैं, उस दौरान आपके पेट की गैस भी शांत होती है, भविष्य में कभी भी आपको लीवर के प्रॉब्लम नहीं होंगे, कब्जियत आपकी दूर होगी। पेट का भारीपन, तौंद निकली हुई है, तौंद को कम करने के लिए आप उद्यान बंद करिए। उद्यान बंद करते ही करते अपने आप पेट आपका साफ भी होगा, लीवर आपका साइज में भी होगा और आपका आप अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त होंगे। शलम आसन। पेट केवल आप लेट जाएं, हथेलियां जांग के नीचे, दाएं पैर को आसमान को खींचते हैं, इतना खींचें कि जांग और कमर की पेशियों पर दबाव पैदा हो। धीरे धीरे श्वास छोड़ते पैर को वापस लाते हैं। अब यही क्रिया बाएं पैर से करना है। बाएं पैर को पुनः आसमान की ओर खींचते हैं, यही क्रिया दाएं पैर से और आसमान की ओर खींचें, इतना खींचें कि जांग की तमाम पेशियां वहां पर खिंचाव पैदा हो। जांग और कमर की पेशियों पर दबाव दें और दबाव बढ़ाएं। धीरे धीरे पैर को वापस लाएं। बाएं पैर से घुटना बिल्कुल सीधा। इस क्रिया को आप 10 से लेकर 15 बार और 20 बार तक कर सकते हैं। जांग, कमर, पीठ के तमाम भाग को संतुलित करने के लिए यह क्रिया लाभकारी है।
चलम आसन, पेट के बल लेटने वाली क्रिया है। कमर की तकलीफ को दूर करने के लिए क्रिया बहुत लाभकारी है। जांघ का भार कम होता है, पेट बढ़िया साफ होता है। गर्दन की तकलीफ यानी सर्वाइकल पेन को दूर करने के लिए क्रिया बहुत लाभकारी है। हां, यदि सियाटिका के आप मरीज हैं, वात नाड़ी का दोष यदि आपके अंदर है, तो शलवासन आपको नुकसान कर सकता है। शलवासन का अभ्यास 8 से 10 बार और 15 बार तक रोज करें। भुजंग आसन यानी सांप की आकृति, सर्प। चिन आपकी जमीन में, एल्बो और हथेली आपकी जमीन में, पूरी श्वास भरते हुए चिन को आसमान की ओर खींचें। इतना खींचें कि पीठ और सीने पर, चेहरे पर दबाव पैदा हो। कमर पर खिंचाव पैदा करिए। चेस्ट की पेशियों को, चिन की पेशियों को, चेहरे की तमाम पेशियों को आसमान की ओर खींचते हैं। श्वास छोड़ते धीरे धीरे वापस लाते हैं। फिर यही क्रिया पूरी श्वास को अंदर भरकर चेस्ट की संपूर्ण मांसपेशियों को आसमान की ओर खींचते हैं। और खींचें, इतना खींचें कि आपकी पूरी पीठ पर दबाव पैदा हो। संसार के तमाम रेप्टाइल्स इसी स्थिति में रहते हैं, तब उनकी हृदय की आयु बढ़ जाती है। अब यही क्रिया आपको पूर्ण भुजंगासन के रूप में करना है। इस क्रिया में दोनों हाथ की हथेलियां जमीन में और कुहिनी आपके आसमान की तरफ, श्वास लेते हुए चेस्ट की पूरी पेशियों को आसमान की ओर खींचें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आप नीचे आए। जैसे ही आप नीचे आते हैं तो सीना और ठुड्डी आपकी जमीन को स्पर्श करना चाहिए। इस क्रिया को पुनः करें। आप महसूस करेंगे कमर के निचले भाग पर, पीठ और गर्दन के भाग पर एक दबाव पैदा हो रहा है। पूरी श्वास को अंदर भरकर रोक कर पीठ, कमर, जांघ में दबाव महसूस करें। आंखें बंद और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आप नीचे आए। भुजंग आसन, पेट के बल लेटकर सीने को ऊपर खींचना है। हृदय पर दबाव कम होगा, तिल्ली यानी स्प्लिन आपकी स्वस्थ होगी। हृदय के नीचे जो हमारा डायफ्राम है वह पुष्ट होगा, मजबूत होगा। यदि कॉरोनरी आर्टरीज और वेन्स में यदि कोई क्लॉटिंग की संभावना है, उसको खत्म करने के लिए भी यह क्रिया लाभकारी है। इसमें अर्ध भुजंगासन है और पूर्ण भुजंगासन है। सर्वाइकल पेन के मरीज अर्ध कर सकते हैं, पूर्ण भुजंगासन ना करें। पेट बढ़िया साफ होगा, कमर की तकलीफ राहत मिलेगी। बढ़ा हुआ पेट कम करने के लिए भुजंगासन लाभकारी है। स्किन आपकी चमकदार होगी, चेहरा आपका चमकदार होगा। दमा के मरीज के लिए भुजंगासन की क्रिया लाभकारी मानी गई है।
पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में रस्सी को पंजे में फंसा लीजिए, जिनका शरीर बहुत कड़ा है, स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, ज्वाइंट्स उनके खुले नहीं हैं, जकड़न अकड़न बहुत ज्यादा है, सिर्फ वही लोग रस्सियों का प्रयोग करें। माथा घुटने में छुड़ाएं, पंजों को अपनी तरफ खींचने का अभ्यास करिए। रस्सी का प्रयोग कर सकते हैं, चुन्नी का प्रयोग कर सकते हैं, माथा घुटने में पूरा छुलाने का अभ्यास करिए। इस आसन का अभ्यास 5 बार रोज करना चाहिए। पश्चिमोत्तरासन, पश्चिम पीठ के भाग को तन सामने खींचना पेट साफ करने के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए, चेहरे को कांतिमय बनाने के लिए। जब आप पश्चिमोत्तानासन आप करते हैं तो चेहरा आपका कांतिमय होता है, चेहरे में ग्लो बढ़ता है, उसकी आभा बढ़ती है। तो जब भी आप पश्चिमोत्तानासन करते हैं तो आपके चेहरे में रौनक बढ़ते हुए हृदय आपका स्वस्थ होता है, पेट आपका साफ होता है, स्पाइन मजबूत करने के लिए पश्चिमोत्तानासन की क्रिया लाभकारी है। यह क्रिया डायबिटीज के मरीज के लिए पूर्ण लाभकारी है।